आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली 35 वर्षीय रंजीता प्रामाणिक की दुख भरी कहानी सुनकर आप लोगों के आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। दरअसल रंजीता प्रामाणिक की बस इतनी सी गलती थी कि वह कोलकाता में ममता बनर्जी के शासनकाल में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी और पश्चिम बंगाल में भाजपा व हिंदुत्व का प्रचार करती थी। लेकिन ममता बनर्जी के TNC पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बात रास नहीं आई और 2019 में रंजीता के ऊपर उन लोगों ने एसिड अटैक कर दिया। पूरा परिवार जब से ही प्रयागराज वृंदावन बागेश्वर धाम भटकते हुए उज्जैन में पिछले 3 महीने से अब जिला चिकित्सालय में रंजीता का इलाज करवा रहा है। कितने समय से आप इधर उधर भटक रहे हैं? 2019 में मैं पश्चिम बंगाल का हूँ। 2019 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। वो केस मैंने किया था, उधर बैंकशल कोर्ट में भी गया था केस। उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, उनका नाम ले सकते, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मैं बीजेपी महिला मोर्चा करती थी, सनातन धर्म का प्रचार करती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, भारत माता की तस्वीर, ये सब जोगी जी के पेंटिंग बनाती थी, यूट्यूब में प्रचार करती थी। इसलिए और मेरे ऊपर 2019 में एसिड अटैक हुआ है, यूरिक एसिड अटैक हुआ है, पीछ मुंह बच गया, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में लगा है जोर से, इसलिए मेरा निचला हिस्सा में विकलांग बन गई। रंजीता के भाई रंजन प्रामाणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और आम सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद करें और उनकी बहन का उपचार करवा दें और साथ ही रहने के लिए कोई घर दिलवा दे ताकि वहां रहकर अपना जीवन यापन कर सके। हाँ जी, हम लोग बजरंग दल के थे और मेरा बहन भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, वो टी शर्ट में पेंटिंग बनाता था। इसका यही दोष था कि वो सनातन धर्म का प्रचार करता था, इसीलिए पश्चिम बंगाल में TMC वाले ममता बनर्जी के कुछ गुंडे ने मेरे बहन के ऊपर रेप करने की कोशिश की और घर बार पूरा तोड़ दिया गया, हमको भी लाइट पोस्ट में बांध के पीटा गया, इसलिए हम लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के आए हैं। हम लोग 2021 से भागे, अभी 2023 से करीब 2 साल हो गया, 2 साल 2-3 महीने। जिंदा जलाने की भी बात सामने। हाँ हाँ हाँ, मेरे अगर हम लोग नहीं जाते तो चले जाते तो जिंदा जला दिया जाता, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भी है जो लोग वो गोमांस खा लेते हैं, लेकिन हम लोग सनातन धर्म बहुत हमारे छोटी उम्र में दीक्षा हो गया, हम लोग मांस मछली प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं।